नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बजट पर चर्चा का दूसरा दिन था, जिसको लेकर बजट में जब चर्चा शुरू हुई तो चर्चा के बीच काफी हंगामा भी हुआ, जिसमें कल आपने देखा था कि प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ पर्सनल कमेंट्स किए गए थे, जिसको लेकर अब बीजेपी के सारे लोग तिलमिलाए हुए हैं। आज स्पीकर ओम बिरला ने तो नसीहत भी दे डाली, उल्टा विपक्ष के लोगों को भी छींटाकशी की गई है। किसी को कुछ बोला गया, किसी को कुछ बोला गया। लेकिन सवाल ये है कि बजट जिसको लेकर हंगामा है, विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष का ये कहना है कि बजट में राज्यों को कुछ नहीं मिला, बजट में क्या खामियां है। जैसे शशि थरूर की थोड़ी देर पहले मैं एक साउंड बाइट देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट कम हो गया है। तो वो सवाल अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम कैसे गलत है, और इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है। किरण रिजिजू ने भी आज खड़े होकर कहा कि हमें कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो बजट पर सवाल उठाना, क्या वो अभद्र टिप्पणी है? क्या वो ये राजनीति को करना है? अगर बजट में कोई चीज गड़बड़ है और अगर उस गड़बड़ी को विपक्ष आज उठा रहा है, तो क्या विपक्ष को ये बोला जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको बताई कि शिक्षा का बजट कम है, स्वास्थ्य का बजट कम है, किस तरह से राज्यों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो राज्य हैं केवल और केवल आंध्र को और बिहार को नाम मात्र के लिए चीजें दी गई हैं। लेकिन ऐसे में सरकार जवाब बजाय सुनने के उल्टा आरोप और प्रत्यारोप का जो ये सिलसिला शुरू हो गया है। आज मनोज झा ने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री इस समय रुदाली के रूप में क्यों आ रहे हैं। उसी तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भाई जब हम सवाल खड़े कर रहे हैं बजट पे, तो आपको वो आलोचना लग रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी अगर करे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो विपक्ष करता है तो फिर वो असंसदीय हो जाता है। प्रधानमंत्री ये तक कह देते हैं कि उनका गला घोटने की कोशिश की, जो अभी वो थोड़े दिन पहले अभी 2-3 दिन पहले जब उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो ये जो एक भावना दिख रही है, तो ऐसे में क्या होगा? संसद इस तरह से कैसे चलेगा? अभी बताया जा रहा है कि चर्चा अभी हो रही है बजट पे, लेकिन बजट की चर्चा आप बिना आलोचना के और बजट में क्या खामियां है, अगर उसको विपक्ष पॉइंट आउट कर रहा है तो उसको सुनने के लिए क्यों नहीं तैयार है बीजेपी? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो अलग अलग पार्टीज के मेहमान जुड़े हुए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु हमारे साथ हैं। जयंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और प्रबल प्रताप शाही जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है प्रबल जी। मैं आज की चर्चा जयंत से शुरू करती हूं कि जयंत, मसला यही है और कल से हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर और बाहर बजट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है कि राज्यों को कुछ नहीं मिला है, बजट में क्या खामियां हैं, उसको लेकर अगर विपक्ष इस समय पुरजोर तरीके से हल्ला मचा रहा है तो उल्टा विपक्ष के ऊपर छींटाकशी की जा रही है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या बजट की खामियां सुनने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है? और जो मनोज झा कह रहे थे, आप ही के पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुदाली हो गए। जी देखिए, बजट सत्र हो या संसद का कोई भी सत्र, कोई लेजिस्लेशन हो या फिर जो रोजमर्रा का विधायी कार्य है, वो विपक्ष का काम है कि रचनात्मक ढंग से लोगों की अपेक्षाओं पर अगर सरकार खड़ी नहीं उतर रही है तो सरकार का ध्यान दिलाना। और संसद की कार्यवाही का अब तो सीधा प्रसारण होता है, जिस जमाने में नहीं भी होता था तब भी जो लोग भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कवर करते थे तो अखबारों में, आकाशवाणी के जरिए, दूरदर्शन के जो चंद अवधि के लिए या ड्यूरेशन के लिए भी प्रसारण होता था, उन सब में उसका कुछ न कुछ उसकी एक झलक मिलती थी और लोग समझ पाते थे कि किस पार्टी के लोग हमारे सवाल को किस तरीके से उठा रहे हैं और सरकार किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। यह सच है कि इस बार का बजट बहुत ही दिशाहीन है। उसमें पहले लोगों की निगाहें टिकी हुई रहती थी कि भाई निम्न मध्य वर्ग को, निम्न वर्ग को, अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों को क्या राहत मिल रही है। और मनोज झा जी ने ठीक कहा कि अब वो रुदाली कोई आज की बात तो है नहीं, ये अस्थाई भाव बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री की मन स्थिति इसी तरह की होती है या फिर एक विक्टिमहुड का कार्ड वो खेलते रहते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं खुद को कि इस देश के सेवियर अगर कोई हैं तो वही हैं और बाकी लोग देश को पीछे धकेल रहे हैं, जबकि सच्चाई ठीक इसके उलट है। बहुत पहले लालू प्रसाद जी से एक बार बजट, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी,
पूछा गया कि ये बजट कैसा है, बोले ये बजट बिल्कुल फालतू है, क्योंकि इसमें न दाल की कीमत घटी है, न कोई भोज्य पदार्थ की कीमत घटी है, न किसान को कोई राहत है, न उनको कोई सब्सिडी मिल रही है ठीक से, तो ये बजट का कोई मतलब ही नहीं हमारे लिए, अर्थहीन है। तो आम लोगों को तो इसी तरह से समझाया जाता है। अब इनकम टैक्स का स्लैब और तमाम चीजें, वो तो देश की हमारी बहुत बड़ी आबादी समझती नहीं है, लेकिन उन पर जो मार पड़ती है, जिसको वो झेलते हैं, इस बात का तो एहसास उनको भी है। तो ये काम अर्थशास्त्रियों का है, उसका विश्लेषण करना, उस पर आलेख लिखना, लेकिन जो पॉपुलर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है वो तो इसी तरह से होगा। दूसरा, सरकार किसी तरह के कंस्ट्रक्टिव मशवरे को सुनने को तैयार नहीं होती, उसको लगता है कि सरकार ही राष्ट्र निर्माण कर रही है, विपक्ष का कोई काम ही नहीं, जबकि लंबे समय तक जनसंघ के लोग से लेकर बहुत सारे हमारे समाजवादी धड़े के लोग विपक्ष में रहे और क्या पुख्ता ढंग से उस भूमिका को निभाया है। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर का जो रोल होता है, उस रोल को निभाने से वो साफ साफ मना कर रहे हैं, वो पार्टी के साथ संबद्धता को भूल जाना होता है इस पद पर। और हमारे सामने सोमनाथ चटर्जी साहब की मिसाल है, जिन्होंने अपनी पार्टी के सामने दंडवत होने से इनकार कर दिया और कहा कि हम एक इस देश की संसदीय लोकतंत्र की महान रिवायत के संचालक की भूमिका में आज हैं, और वो इतिहास में उसके लिए एक अलग सम्मान का भाव रहा है, तो हमको आप पार्टी लाइन में मत ट्रैक कीजिए। लेकिन दो बार से हम इस स्पीकर को देख रहे हैं, हम लोगों ने जी मावलंकर का भी नाम सुना और उनके काम को देखा पढ़ा, अयंगर साहब ने किस तरह से टिप्पणी की है, पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर वो देखने लायक है। रवि राय जी तो बहुत पुरानी बात नहीं है, बीपी सिंह जी की सरकार में स्पीकर होते थे, सोशलिस्ट आदमी थे, किस तरह से सदन को मर्यादित ढंग से चलाए। पीए संगमा को हम लोग छोटे छोटे थे, अब वो तो कहते थे ठीक खूब अल्लाह की करो करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डू इट, और इस तरह से भी लोगों को काम डाउन कर लेते थे और लोग शांत हो जाते थे। हम लोगों ने चटर्जी साहब को देखा और मीरा कुमार जी का क्या सुंदर संचालन। तो ये सब मिसाल है, ये गिरना शुरू हुआ है, ये आपको सुमित्रा महाजन जी के समय से, मतलब इस तरह से, मतलब इलायची खाती रहेंगी और फिर किसी को ऐसे लगता है जैसे बहुत उसको हिकारत भरे भाव से, क्या मतलब, जैसे कुछ बोल रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं, अर्थहीन बातें लोग कर रहे हैं विपक्ष के लोग, और अतिशय अनुराग का भाव सत्ता पक्ष के लोग जब बोलते हैं, और ये तो टोटल डिसग्रेस है। ओम बिरला जी जिस तरह से कर रहे हैं, कल ही टीएमसी के एक माननीय सदस्य ने उनको याद दिलाया, को कहा कि भाई नोटबंदी तो अब उस बहुत पुरानी बात हो गई, 19 का चुनाव हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो 5 साल पहले की बात है, और 50 साल पहले की बात आपातकाल पर झूठ सही जिस तरह से उसका चित्रण होता है सदन में, आप कुछ नहीं बोलते हो, नेहरू के बारे में उल्टी सीधी बातें होती आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप मौन धारण कर लेते हैं। तो स्पीकर हर दूसरे तीसरे सेंटेंस पर इंटरप्ट करते हैं, जबकि डिसरप्शन, डिबेट, डिस्कशन, स्लोगनियरिंग, ये सब जमहूरियत के खूबसूरत पहलू हैं, ये काम है विपक्ष का, लेकिन स्पीकर खुद ही कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे मजे की बात ये है कि ये वही बीजेपी है जो कि विपक्ष में थी तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज तमाम वो कहते थे कि डिसरप्शन भी एक पार्लियामेंट्री टूल है जिसके चलते आप जो जनता की आवाज है वो आप सदन के अंदर रखते। लेकिन अब मैं शाही साहब के पास आती हूँ, आपके पास लौटूंगी वापस जयंत, कि प्रबल जी जिस तरीके की छींटाकशी विपक्ष पर हो रही है, बजट पर चर्चा डिस्कशन, एक फ्लैट डिस्कशन सरकार चाहती है, लेकिन जैसे ही आप बजट पर कोई सवाल करने लगेंगे उन सवालों को या वो आलोचना को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में स्पीकर खड़े हो जाएंगे, आज राजनाथ सिंह खड़े हो गए और राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई कोई असंसदीय बयान न दिया जाए और दोनों तरफ के बयानों को खंगाल कर देख लिया जाए। अब जो अभद्र टिप्पणी कल हुई थी उसको तो एक्सपंज ही कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि आज आलोचना का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है कि बजट में क्या खामियां हैं, आखिर बजट के डिस्कशन में और आप क्या डिस्कस करेंगे अगर बजट की खामियां नहीं बताएगा विपक्ष, तो मोदी जी क्या चाहते हैं कि क्या करें, क्या वो कीर्तन गाए बजट विपक्ष जो बजट आया है उसका कि भाई बहुत अच्छा बजट। देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने अपना बजट पेश करवाया है, ये बजट तो कुर्सी बचाओ बजट, और मुझे लगता है कि इसमें जिन दो राज्यों को विशेष तौर पर जिक्र किया गया उनको भी बेचारों को कुछ नहीं मिला,
एक को एक्सप्रेसवे के नाम पर कुछ एलोकेशन और बजट है और एक को अमरावती के नाम पर मल्टीलेटरल एजेंसीज के थ्रू क्या पैसा आएगा ये पता नहीं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं और संघ की पृष्ठभूमि के नरेंद्र मोदी हैं और ये जो ओम बिरला है ये लोग संघ को समझना होगा। संघ में क्या होता है, संघ में और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सवाल पूछना अवैध निषेध है। वहां जो आपको काम बता दिया गया वो काम करिए, उसके आगे आपकी कोई बौद्धिकता नहीं। तो बौद्धिक बहसों से आरएसएस हमेशा दूर रही है, भारतीय जनता पार्टी बौद्धिक बहसों में नहीं रही कभी, उसके यहाँ बौद्धिक बहसें होती हैं। इसलिए कोई बौद्धिक व्यक्ति अगर कोई बात कह भी रहा है, कोई बात अपनी सुना रहा है, जैसे एमएसपी गारंटी कानून, अब एमएसपी पर अगर कोई चीज एमएसपी पर आपने बजट में एलोकेशन नहीं किया और उस पर कोई बात कहेगा और किसानों के पक्ष में कोई बात कहेगा और आप कहोगे नहीं नहीं ये जरूरी, आपको शिक्षा में आपने बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की, शिक्षा में आपका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, शिक्षा को आप बर्बाद कर रहे हो, सरकारी शिक्षा स्कूल हो या विश्वविद्यालय है वो बंद होने के कगार पर है, स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल आप देख ही रहे, सरकारी अस्पताल के हाल आप देख ही रही है, उस पर कोई बजट का कोई है नहीं। तो बस हम ये कहें कि आपने 5 किलो राशन दे दिया उस पर हम भी ताली बजाएं। अरे 5 किलो राशन एक समय सीमा के लिए दिया गया था जब कोरोना काल था, अब आप उसको चुनाव में जीत का एक वो बना रहे हैं कि इसी से वोट गैदरिंग हो जाएगी। आप इस देश के 100 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए कोई आपने कहा कि पहले साल नौकरी मिलेगी और हम लोग एक पहले साल का जो एक पैसा दे देंगे, यह बताओ कि रोजगार सृजन कैसे होगा, रोजगार सृजन की कोई क्या क्या आपके पास प्लान है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आपने कहा जी कॉर्पोरेट को हम 3,000 रुपया देंगे ईपीएफ के नाम पर, इसके नाम पर, इसके पहले भी बजट में आपने एलोकेट किया था कि हम कॉर्पोरेट इंसेंटिव दे रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की कि कॉर्पोरेट टैक्स में कम होगा तो कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करेगा। भाई साहब नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी की जो सरकार ये चल रही है, एनडीए की जो सरकार जिसे मोहन भागवत की सरकार मैं कहता हूँ, यह बताए कि कॉर्पोरेट ने कितना रोजगार सृजन किया इस इंसेंटिव के बदले में, 1 रुपया नहीं, एक नौकरी नहीं। अगर नौकरी मिलती तो 45 साल में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर क्यों झेलता। और दूसरा, इनकी ही इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि 11 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार हैं। यानी आपने 10 वर्षों में रोजगार देने का, रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया आपने। हाँ, एक चीज का ध्यान दिया कि अगर आप शिक्षा मांगोगे, स्वास्थ्य सुविधाएं मांगोगे, नौकरी मांगोगे तो हम तुम्हें डंडे से पीटेंगे। अगर तुम हमसे मंदिर मांगोगे, तुम हमसे कांवड़ यात्रा मांगोगे तो हम तुमसे हेलीकॉप्टर से फूल फेंकेंगे। अब आप देखिए कि कल किसान संसद के अंदर चले गए, राहुल गांधी जी ने बुलाया, जो किसान एसकेएम के थे और किसान मजदूर मोर्चा के थे, पंडेर जी और दल्लेवाल जी के नेतृत्व में गए किसान। अब वो एमएसपी गारंटी कानून की बात करने गए थे, प्राइवेट मेंबर बिल की बात करने गए थे और लोन माफी की बात कर राहुल गांधी जी से विपक्ष के नेता के तौर पर मिलने गए थे, तो आपने उनको ही रोकने की कोशिश की। अडानी और अंबानी आ जाए तो नरेंद्र मोदी उनके लिए रेड कार्पेट बिछा देंगे। यानी आपने अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की या अपनी आय के साधन को बढ़ाने के लिए बात की, आय के साधन को के बारे में बात की, उनसे जानने की जागरूकता की, शिक्षा की बात की, तो आपको लाठियां पड़ेंगी, आपको रोका जाएगा। शुभकरण जो किसान था उसको गोली मार दी आपने, वो मर गया वहां पर। नरेंद्र मोदी जी के पास अंबानी के यहां शादी में जाने का समय है, अडानी से मिलने का समय है, विदेश में जाके पुतिन से मिलने का समय है, लेकिन जिस देश की जनता के टैक्स के पैसे से चलते हो नरेंद्र मोदी, और जो 15,000 रुपया या 30,000 रुपये का किलो का जो मशरूम खाते हो, वो पैसा इस देश की जनता अपने टैक्स की अपनी गाढ़ी कमाई से तुम्हें देती है, तुम उस देश की जनता से मिलना नहीं चाहते।
तो ये जो सवाल अगर कोई उठा दे, अगर कोई सवाल उठा दे, तो अभी जो अभिजीत गंगोपाध्याय एक नया नया एमपी बना है, जो संघी है, जो संघी कुछ दिन पहले तक वह हाईकोर्ट का जज हुआ करता था कलकत्ता हाईकोर्ट में, और वह जो है कहता था मेरा संघ से मेरा बहुत नाता है, आज उसने सुफिट कह दिया लोगों को, विपक्ष के नेताओं को, हमारे कांग्रेस के लोगों को, उसके गौरव गोगोई जी ने बहुत सवाल उठाया अभी। तो यानी जिस यानी अगर आपने सवाल उठाया, आपने उनसे कोई मांग की, चर्चा का विषय पर बात करनी चाहिए, तो आप स्टूपिड हो, मूर्ख हो। तो यह लोग जो है ये बौद्धिक विचार बौद्धिक विमर्शों से दूर होना चाहते हैं। बौद्धिक विमर्श इनके यहाँ ही नहीं, इनके यहाँ तो बस डिस्टॉर्टेड फैक्ट है, र्यूमर। आरएसएस का नाम जानती हैं आप क्या है? र्यूमर स्प्रेडिंग संघ, ये संगठन है, ये र्यूमर फैलाता रहता है, दिन भर र्यूमर फैलाता रहेगा। तो आप इनकी बात सुनते रहिए तो आपको ये जिंदाबाद करेंगे। तो हम र्यूमर फैलाने के लिए इनको यहाँ पे नहीं आए, ये र्यूमर फैलाते रहे, हम सुनते रहे, तो हम इनके र्यूमर्स को करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन तो वर्तमान समय में, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी, आरएसएस की सरकार रहेगी, हेल्दी डिस्कशन भूल जाइए। विपक्ष के नेता हम सब लोग चिल्लाते हैं, इन्होंने संसद की मर्यादा, संसद की जो संसद को एक हम लोग जब लोग बचपन में थे, संसद में कोई सवाल उठता था तो उसकी चर्चा होती थी कि सांसद ने फला मुद्दा उठाया है संसद में, और उस पर बड़े बड़े आर्टिकल वहां के स्थानीय अखबारों में निकलता था, प्रदेश के अखबारों में निकलता था, वह थी संसद। और आज नरेंद्र मोदी ने क्या बना दिया, गाली गलौज का केंद्र बना दिया। कोई उनका सांसद उठता है, वह एक सांसद को गाली बकता है, उसका टिकट काट देते बाद में, वो अलग बात है। एक सांसद उठता है तो वो स्टूपिड कह देता है। तो आपने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद की परंपरा, क्योंकि आरएसएस संसदीय परंपरा को मानती नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन जो बात बार बार अब इस तरीके की आ रही है कि कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आप जैसी सरकार की आलोचना करेंगे तो आप देखेंगे कि किरण रिजिजू जैसे लोग खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो भी अब खड़े हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई आप असंसदीय बातें मत करिए। अगर विपक्ष करता है तो वो बात असंसदीय हो जाती है, और अगर सत्ता पक्ष करता है तो वो उसको बोलने देते हैं। अब ऐसे में क्या संसद की कोई भी चर्चा क्या मुमकिन है जयंत? और संसद का भविष्य क्या होगा? संसद तो चर्चा के लिए बना है, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, ये तो चीज अब संभव नहीं है। तो क्या होगा, क्या क्या संसद की जो पूरी प्रणाली है, जिस तरह से संसद चलता है, क्या उसको अब सरकार खत्म कर देगी या खत्म करना चाहती है? बजट तो नष्ट कर ही दिया। जी नहीं, ये बात दुरुस्त है कि इस सरकार को संसद को सुचारू रूप से चलाने में बहुत दिलचस्पी नहीं है। स्पीकर हो, संसदीय कार्य मंत्री हो, विपक्ष के नेताओं के साथ नियमित रूप से उनकी मंत्रणा होती है और सदन ठीक से चले, एक्टिव डिस्कशन हो, ये सुनिश्चित करना तो सबकी जिम्मेदारी है। अब आगे कोई भी चर्चा संभव कैसे हो पाएगी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या कोई भी चर्चा मुमकिन है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई चर्चा इसमें वर्तमान संसद के अंदर कोई चर्चा होगी मुमकिन। आप देखिएगा, कल परसों में यही लोकसभा अध्यक्ष उठेंगे और वो सभापति उपराष्ट्रपति जो है उठेंगे, राज्यसभा के सभापति जी, और साइन डाई कर सकते हैं। शाही साहब, आपको रोक रही हूँ, जयंत आ गए तो जयंत से टिप्पणी ले लेते हैं। हाँ जयंत बोलिए। मैंने कहा कि अब क्या चर्चा, डेलिब्रेशन, डिस्कशन संसद में अब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर मुद्दे पर विपक्ष भी उतना ही हावी होगा जितना सरकार विपक्ष को घेरने के लिए तैयार है। जी जी, इस सरकार को इस बात का अभ्यास नहीं है कि वो सशक्त विपक्ष का सामना कर सके, और सुचारू रूप से सदन चले इसकी जिम्मेदारी सरकार के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी भी होती है, स्पीकर की तो होती ही होती है, उस पर भी वो लोग आपस में एक समझदारी के साथ बैठ के काम करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से हम सब ने देखा है, उसमें तो पूरी कोशिश है कि प्रधानमंत्री स्वयं सदन में ना आए और मन की बात को एक स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट के रूप में, एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के तरह इस्तेमाल करें,
और जनता को एक तरह से जो डे टू डे बेसिस पर जो काम होता है सरकार का सीधे उन्हीं से एक आलाप कर लें और सदन को इस तरह से सदन की कार्यवाही को प्रोजेक्ट करें जैसे ये तो कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है और हम तो ऐसे भी फैसले ले ही रहे हैं और डेमोक्रेसी के प्रति एक तरह का डिसरिस्पेक्ट भी है। उसी पार्लियामेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हिरेन मुखर्जी बहस करते थे, वहीं किस तरह का ह्यूमर होता था, ह्यूमर इन पार्लियामेंट करके एक मधु दंडवते साहब के लिखे हुए चीजों को हम लोग देख रहे थे इसमें। हाँ शाही साहब क्या कहेंगे अंत में जी? देखिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये सरकार बनी है और जो ये संसद के अंदर लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला और उप सभापति बने हैं वहां पर आपके धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति, इन दोनों लोगों का चरित्र यह दोनों लोग गुणगान करने पर रहते हैं। नरेंद्र मोदी का गुणगान करने में ये लोग मतलब इन लोगों में कंपटीशन होता कि कौन सबसे ज्यादा गुणगान करेगा, ओम बिरला गुणगान ज्यादा करेंगे कि वो जगदीप धनखड़ जी ज्यादा गुणगान करेंगे। तो जब सभापति और लोकसभा अध्यक्ष का काम प्रधानमंत्री का गुणगान करने का होगा तो आप उस लोकसभा और उस राज्यसभा से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वहां पे क्या डिस्कशन होगा? वहां पे हमेशा प्रायोरिटी जो रहेगी वो सत्ता पक्ष को मिलेगी। दूसरी चीज, आज जो मेरी जानकारी अभी तक रही है, आ गए हों अभी तक बजट पर अगर डिस्कशन हो रहा है तो वहां पर वित्त मंत्री नदारद है, प्रधानमंत्री नदारद, गृह मंत्री नदारद। अब आप इससे इनकी सीरियसनेस देखिए कि इनका कोई सीरियसनेस नहीं है, इनका संसदीय परंपरा में डिबेट में डिस्कशन में कोई चीज जानना है समझना कुछ नहीं, जो इन्होंने कर दिया वो कर। यह इनके जो अप्रोच है वह अप्रोच संसद की गरिमा को कम करता है और लोकसभा अध्यक्ष के अंदर अगर थोड़ी सी भी गरिमा होती तो वो सवाल पूछते, वो संसदीय कार्य मंत्री से पूछते कि वित्त मंत्री कहाँ है, वो संसदीय कार्य मंत्री से पूछते कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। उस हाउस का लीडर कोई है, अगर कोई नेता कहा जाए, वैसे तो नेता कहा जाए लोकसभा अध्यक्ष को कहना, लोकसभा अध्यक्ष सबसे सुप्रीम लीडर हुआ वहां पर, लेकिन संसदीय परंपरा का तो उन्होंने खुद ही माहौल बना रहे हैं। अब उठकर आप मतलब लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है विपक्ष के नेताओं को चुप करा खड़े होकर उनको इंटरप्ट करना कि पूरी बात सुनना, लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है विपक्ष के नेता को प्रोटेक्शन देना, उसकी बात सत्ता पक्ष दबा ना पाए इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके उसकी सारी बात आए, जो मुद्दा होता है वो आए। अब एक दो चीजें और बची हैं संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर कुर्ता फाड़ तमाशा नहीं हो रहा, वो भी हो सकता है 6-7 महीने साल भर के अंदर वो भी दिखने को मिल जाएगा। गाली गलौज तो हो ही गई है, अब कुर्ता फाड़ना बाकी है। 1997 में एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको याद होगा आप तो उत्तर प्रदेश से हैं और आप उस समय पत्रकारिता में शायद शुरुआत किया होगा आपने, मुझे लगता है आपने पत्रकारिता की शुरुआत की होगी या पत्रकारिता पढ़ती होंगी, समय आपको याद होगा कि 1997 में जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बननी थी और मुझे याद है मायावती ने उनका समर्थन वापस ले लिया था, तो वह जो माइक निकाल निकाल के चला था अब वही सब बाकी रह गया। मतलब किस स्तर पर लोकसभा को ले जाना चाहते हैं, यह देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि संसद का कोई वजूद नहीं, यह संसदीय परंपरा के लिए बहुत खतरनाक है। और जिस तरीके से आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों को जाने की अनुमति दी गई, बैन हटाया गया 50 वर्षों के बाद, वह देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। यानी अब जो डायरेक्ट सरकार है वो मोहन भागवत चलाएंगे। चलिए देखना होगा कि ये जो संसद में हंगामा है, अभी पूरे बजट में डिस्कशन अभी होना है, चर्चा होनी है, लेकिन चर्चा के बीच में जो छींटाकशी का सिलसिला, उससे हंगामा बढ़ जाता है और हंगामा बढ़ने से केवल और केवल जो राजनीतिक पारा है वो बढ़ता है, मन में खटास पैदा होती है और उससे जो विपक्ष और सत्ता की जो दूरी है वो इससे और ज्यादा बढ़ती है। तो ऐसे में
ये कहना कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के पास जाएंगे, विपक्ष से बात करेंगे, ये एक केवल एक सपना मात्र जैसा आप दिखता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रबल जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।